हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्लास टेंथ की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, द थीफ्स स्टोरी इसका नाम है। और ये क्लास टेंथ की बुक फुटप्रिंट्स की स्टोरी नंबर 2 है। इसके राइटर बहुत मशहूर राइटर हैं, रस्किन बॉन्ड, बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में। और इस कहानी का जो नरेटर है वो एक थीफ है, चोर है, जिसका कि नाम है हरी सिंह। और ये बताना भी ज़रूरी है कि इसका रियल नेम नहीं है, वो अपनी रिकग्निशन को यहाँ पर नहीं बताना चाहता, लेकिन वो कहानी को बता रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है साथियों। हरी सिंह 15 साल का एक बच्चा है और बहुत समय से चोरी कर रहा है। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि चोरी करना उसका पेशा है, उसकी रोजी रोटी है। एक दिन अचानक उसे एक बहुत ही डिसेंट इनोसेंट व्यक्ति मिला जिसका नाम है अनिल। एक लंबा सा नौजवान है जिसकी उम्र 25 साल है। हरी सिंह उसे देखते ही समझ गया कि यह आसानी से उसका शिकार बन सकता है, क्योंकि वो दिखने में ही बहुत ही साधारण, सिंपल और ईमानदार दिख रहा था। वो उसकी थोड़ी सी तारीफ करता है और कहता है कि आपकी बॉडी तो एक रेसलर की बॉडी है। इस बात से अनिल बहुत खुश होता है। दोस्ती करने का बहुत पुराना पैतरा था, जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो वो हमारी ओर आकर्षित होता ही है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। वो उसे अपने घर ले गया, अपने साथ रख दिया और उससे घर के छोटे मोटे काम कराने लगा, जैसे खाना बनाना, चाय बनवाना, थोड़ी बहुत और कामों में हेल्प कराना। और उसे इसके बदले रहने की जगह, खाने पीने की व्यवस्था और जितना उसकी जिम्मेदारी हो सकती थी अनिल ने उठाना शुरू कर दिया। हरी सिंह धीरे धीरे उसका विश्वास जीतता रहा और उस दिन का इंतजार करता रहा जिस दिन वो उसके यहाँ कोई बड़ा हाथ मारेगा। आखिरकार कई दिनों के बाद वो दिन भी आया। हरी सिंह अपने कमरे में सो रहा था और उसके मैट्रिस के नीचे अनिल अपने कमरे में सो रहा था और उसके मैट्रिस के नीचे सरहाने कुछ पैसे रखे थे, जिसका कि हरी सिंह को पता चल गया था। हरी सिंह जाता है और चुपके से उसके सरहाने बैठ जाता है। इस दौरान अनिल एक बार करवट भी लेता है हरी सिंह की ओर और हरी सिंह बहुत डर जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो पैसे वहाँ से निकालकर तेज़ी से कमरे से बाहर निकलकर भागता हुआ रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाता है। पैसों को जब वो गिनता है तो ये 50-50 के 12 नोट थे, कुल 600 रुपये। वहाँ स्टेशन पर वो प्लेटफॉर्म पर पहुँचता है सीधे बिना किसी टिकट लिए और एक ऐसी एक्सप्रेस पर बैठने की कोशिश करता है जो उसे लखनऊ ले जा सकती है, लेकिन बिल्कुल लास्ट टाइम पर वो अपना ये आइडिया ड्रॉप कर देता है और वापस आकर फिर वो पैसे वहीं अनिल के सरहाने मैट्रिस के नीचे रख देता है। अगले दिन अनिल उससे बहुत खुश होता है किसी बात से और इनाम के बतौर 50 रुपये का उसे नोट देता है। 50 रुपये का नोट जब वो अपने हाथों में लेता है तो हरी सिंह को अंदाज़ा लग जाता है कि वो अभी भी थोड़ा सा भीगा हुआ था रात की बारिश की वजह से, अर्थात अनिल को उसकी चोरी के बारे में पता चल जाता है, फिर भी वो इस बात को जाहिर नहीं होने देता। इससे हरी सिंह के मन में अनिल के लिए इज्जत और बढ़ जाती है, क्योंकि उसने अपना बड़प्पन दिखाया। अनिल उसे सेंटेंसेस सिखाने की बात करता है, पढ़ाने की बात करता है और मैथमेटिक्स सिखाने की बात करता है। इस बात से हरी सिंह को और उम्मीद बंध जाती है कि आगे चलकर वो भी एक पढ़े लिखे, शिक्षित, एजुकेटेड व्यक्ति की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेगा या फिर एक अच्छा इंसान बनकर ज़िंदगी में कुछ करेगा। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आई थिंक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और सबसे अच्छा इसका क्लाइमैक्स है, जहाँ पर
एक पॉजिटिव मैसेज गया है कि अच्छे इंसान को कोई बुरा नहीं कह सकता, ना उसके साथ बुरा हो सकता है, और अगर हम कुछ भी अच्छा ठान लेंगे तो कभी भी हमारा उद्धार या अच्छा हो जाएगा। ओके, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एस गोस्वामी। नमस्कार।